आप पहले से बेहतर हालात में हैं या बुरे हालात में हैं, तो आप कौन हैं? यू आर पाकिस्तान। अगर पाकिस्तानी के हालात पहले से बेहतर हैं तो पाकिस्तान बेहतर है, अगर पहले से हालात ख़राब हैं तो पाकिस्तान ख़राब है। मैं तो ये समझ रहा हूँ, मैं अपने पास देखता हूँ, मेरे पास तो पेडिस्टल फ़ैन भी नहीं होता था, सीलिंग फ़ैन भी नहीं होता था, थोड़ा सा सामान था, ज़िंदगी गुजर रही थी। अब मेरे पास बोतात है सामान की, बढ़िया किस्म की हर चीज़ आए मुयसर है, छोटा गोश्त भी बढ़िया वाला खा रहे हैं, अंडे भी खा रहे हैं, मछली भी खा रहे हैं, गाड़ियों में फिर रहे हैं, एसी लगे हुए हैं। और ये मेरे हालात नहीं बदले, मेजॉरिटी ऑफ पीपल के हालात बदल रहे हैं। तो ये कौन है लोग? पाकिस्तान क्या है? किसी कागज़ का नाम है, लकड़ी का नाम है, दरवाजे का नाम है, बिल्डिंग का नाम है? तो ये पाकिस्तान बेहतर हो रहा है जो पाकिस्तानियों के हालात बदल रहे हैं। ये अलग बात है क्योंकि हैं, अल्लाह का शुक्र है सब ना शुक्रे, जितने पाकिस्तानी हैं ये सारे ना शुक्रे हैं। क्यों? ये कंप्लेंट करते हैं मुल्क की, मौसमों की, हर हुकूमत की, किसी हुकूमत से सेटिस्फाइड नहीं। ये चाहते हैं कि जो हमारे हुक्मरान हैं ये सारे वली अल्लाह हो जाएं और हम वैसे हरामजदगी अपनी पूरी करते रहें। कोई बंदा इंसाफ से बात नहीं करता। घर तो तुमसे चलता नहीं और हुक्मरान जो पूरे मुल्क को चला रहा है उस पर मोतरिद होते हो। घर नहीं चलता सही, बीवी राज़ी नहीं रहती, बेटा राज़ी नहीं है और तनकीद हो रही है पूरे मुल्क के सिस्टम पे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इतना ही ताबनाक है जितना रोज़ निकलने वाला सूरज। मेरी बात याद रखिएगा, पीछे नहीं जाना इसने। पाकिस्तान पीछे जाने के लिए नहीं बना। मुनाफकत तो फेस करनी पड़ी थी मदीने को भी, मगर कमली वाले ने मुनाफकों को सज़ा नहीं दी, उनके हाल पे छोड़ दिया था। अल्लाह ने कहा कि तूने इनके लिए ना दुआ करनी है, ना इनके जनाजे में जाना है, ना इनकी कब्रों पे खड़ा होना है, ना आइंदा इनको मिलना है। मुनाफकत पाकिस्तान को भी ऐसे ही फेस करनी पड़ी, उसी पैटर्न पे ये बना जिस पे मदीना वजूद में आया था। तो जैसे मदीना कामयाब हुआ एक मुनाफकत के इलाज के बाद, मुनाफकों से निजात के बाद, तो ये भी बहुत जल्द उन कामयाबियों को छूने वाला है। सिर्फ आप ये समझ लें कि मेरे मुल्क में कोई नुक्स नहीं है। कंप्लेंट छोड़ दें इसकी, शुक्रगुजारों में शामिल हो जाएं। जितनी हमारी आवाम शुक्रगुजार होगी, पाकिस्तान दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। हम कंप्लेंट करते हैं, अल्लाह के नाशुक्रे हैं जिसकी वजह से हमें सज़ा मिलती है।